अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको गाइड किया था कि आप चाइना में किस तरह आप एमफिल लेवल पे, बीएस लेवल पे या पीएचडी लेवल पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूरोपियन साइड पे कनाडा, तुर्की, जर्मनी एंड अदर कंट्री में आप किस तरह, किस प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं या एमफिल करना चाहते हैं रिसर्च वर्क के तौर पर, तो इस वीडियो में मैं आपको टोटली गाइड करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि आप चाइना में जो साइंस सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब्जेक्ट के अंदर कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको आर सब्जेक्ट, लॉ और जो साइंस सब्जेक्ट हैं इनके बारे में बताऊंगा कि आप अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एक वेबसाइट है फाइंड अ पीएचडी, आपने सर्च करनी है फाइंड अ पीएचडी। फाइंड अ पीएचडी आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। इसमें तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट हैं ये पीएचडी लेवल के हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैं ओपन करता हूँ बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस, बिजनेस एंड फाइनेंस, केमिकल साइंसेस। केमिकल साइंसेस के अंदर आप, मैं इसको ओपन करता हूँ, अर्थ साइंसेस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, लॉ, मैथ, फिजिकल साइंसेस, सोशल साइंस, आप आपका जो भी सब्जेक्ट है। जैसे मैं अब फिजिकल साइंस न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ये मैंने केमिकल साइंसेज ओपन की है। केमिकल साइंसेज ओपन करने के बाद आपने आ जाना है फंडिंग पे, ये लिखा हुआ है फंडिंग। सबसे पहले फंडिंग पे आ जाना है, इसको ओपन करना है। फंडिंग ओपन करने के बाद ये जो फंडिंग टाइप आल है आपने इसको सर्च कर लेना है, आई एम नॉन यूरोपियन स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले फंडिंग पे आके नॉन यूरोपियन स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ये अब आपने देखा क्लिक हो गया। फिर आपने आ जाना डिसिप्लिन पे। अब डिसिप्लिन पे आने के बाद अब आपने ये देखना है कि आप कौन सी ब्रांच में, केमिस्ट्री की आप अपना सब्जेक्ट रिलेटेड चेक करें। जैसे ये केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैं फंडिंग जो है वो, आई एम ए नॉन यूरोपियन कैंडिडेट स्टूडेंट, ये सर्च करने के बाद इसके मैं डिसिप्लिन चेक करता हूँ। अब इसमें देखें ये फिजिक्स के सब्जेक्ट, अप्लाइड फिजिक्स, जियो फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आई मीन आप ऐसे देख सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, लॉज और बिजनेस के सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये इसमें बिजनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये भी आप देख लें, बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये देखें आप, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, जो जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है आप इजीली सर्च कर सकते हैं। ये मैं अब ओपन करता हूँ केमिस्ट्री। जैसे इसमें वो बता रहा है कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के 88 प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के आपके पास 105 प्रोजेक्ट हैं। तो आप किसी एक पे क्लिक करें, फर्ज करो मैं सेलेक्ट करता हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे आपने क्लिक किया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये जितना भी नीचे आप आए प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, ये सारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के होंगे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल करना है कि जिस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ देख लें कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है
ये आपने लाजमी चेक कर। जैसे आपका ये डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ जियोग्राफी, आपने इसमें अप्लाई नहीं कर। आप बेशक ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, लेकिन आपकी रिसर्च, आपका प्रोजेक्ट जो भी हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास ये जो डिपार्टमेंट है वो आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट टाइटल जो भी है उसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है। रिसर्च आप कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपकी आपने जॉब करनी है, इसमें काफ़ी इशू होता है कि आपकी जो डिग्री है, अगर आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री में है तो आपका जो PhD MS है वो भी आपका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो जैसे ये वाला जो है डिपार्टमेंट, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, ये मैं इसको क्या करता हूँ, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। नीचे हैं आप देखें, इन सब के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, जैसे ये केमिस्ट्री नहीं है, इस पे आपने कोई मेल फॉरवर्ड नहीं कर। ये देखें, ये अब न्यू जो पेज है, नेक्स्ट पेज में ओपन करता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कौन सा है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अगर आपको आपका जो प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री वो भी रिलेटेड है, तो आपने मोर डिटेल पे क्लिक करना है। मोर डिटेल को मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद न्यू टैब आपने ओपन कर लिया। इसी तरह आपके जितना भी डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो, जैसे ये फैकल्टी ऑफ एनवायरमेंट है, इस अच्छा, तो अब आपका ये जो डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, एरोमा केमिकल आपका ये प्रोजेक्ट है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये आप देख रहे हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मोर डिटेल पे जाके कलेक्ट करता हूँ। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। न्यू टैब में ओपन करने के बाद अब देखें, इस साइड पे आपको दो प्रोफेसर के, एक या दो प्रोफेसर के नाम नजर आ रहे हैं। अब आपने देखना है ये जो प्रोफेसर के नाम लिखे हुए हैं, किसी एक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। किसी एक के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये स्टेटमेंट आ गई, आपका सुपरवाइजर आ गया, जो सुपरवाइजर है प्रोजेक्ट का। फर्स्ट नेम मेरा जो है वो है सैफ ओला, मैंने अपना फोन नंबर लिखा 92, मैंने अपनी मेल आईडी लिखी, और आपने इधर क्या करना है, अपनी सीवी अटैच करनी है। मैं जो अपनी सीवी अटैच करता हूं, ये वाली मैंने सीवी अटैच कर दी है। ये मैंने सीवी अटैच कर दी। आपने सीवी अटैच करनी है, ईमेल आईडी लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मेल आईडी और सीवी अटैच करना है। नीचे आपने लिखना है करंट लिविंग, मुल्क का नाम लिखना है, और नेशनैलिटी आपने लिखनी है पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर आपने मैसेज लिखना है, योर मैसेज। मैं जैसे आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, एक मैसेज मैंने टाइप किया हुआ था, मैसेज ये था, ये वाला मैसेज। मैं क्या कहता हूँ, इसमें अपनी जो मेल बॉडी है वो मैं अपनी कॉपी करता हूँ, ठीक है,
एम सैफुल्ला, एम फिल केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। यहाँ अपना रिसर्च टॉपिक लिखना है और कीवर्ड लिखने हैं, इसके बाद अपनी पब्लिकेशन लिखनी है और फिर रिक्वेस्ट करनी है कि आई एम लुकिंग टू स्टार्ट माई PhD अंडर योर करेंट सुपरविजन, प्लीज गिव मी अ चांस फॉर ज्वाइनिंग योर रिसर्च ग्रुप। ठीक है, तो ये आपने स्टेटमेंट लिख के आपने क्या करना है। अच्छा, इधर आके आपने वो स्टेटमेंट जो भी आपने इधर आके पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। इस सुपरवाइजर को आपकी तरफ से सबमिट करनी है। मैं इधर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप 2 से 3 सेकंड वेट करेंगे, ये आपकी जो रिक्वेस्ट है सुपरवाइजर के पास जमा हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। देन फिर आपको एक रिप्लाई आएगा, ये देखे योर इंक्वायरी हैज बीन ईमेल सक्सेसफुली, आपकी मेल चली गई है। फिर क्या होगा, आपको एक रिस्पांस आएगा, एक मेल आएगी, जो मेल आईडी आपने दी थी फाइंड अ PhD की तरफ से कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। अगर वो मेल डायरेक्ट सुपरवाइजर के पास जाएगी, सुपरवाइजर को वो आपकी CV चेक करेगा, अगर सब्जेक्ट आपका आपका कोर्स वर्क रिलेटेड है, सुपरवाइजर की तरफ से आपको या तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, मेल आ जाएगी कि इस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आप जूम पे या स्काइप पे आप शेड्यूल कर दें, या फिर आपके पास एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के अंदर आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसी लिंक को आपने ओपन करना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये मुझे एक मेल आई है, इसमें आप देखें, ये उसने प्रोफेसर ने कहा ऑल द रिसर्च डिग्री एप्लीकेशन, ये वाली जो है हाउ टू अप्लाई, तो इस लिंक के ऊपर मैंने क्या करना है, अप्लाई करना है। ये देखें, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अभी भी एक मुझे मेल आई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो अभी मेल की है वो इनके पास रिसीव हो गई है। Dear sir, thank you for using findaphd.com. ठीक है, someone will respond to your inquiry as soon as possible. तो ये जो मेल आई है सुपरवाइजर के पास चली गई है, उसका प्रोजेक्ट टाइटल भी आपके पास आ गया, ये प्रोजेक्ट टाइटल जिस पे हमने अप्लाई किया था, और डिपार्टमेंट भी आपके पास आ गया, सुपरवाइजर का नाम भी आ गया और उसका लिंक भी आ गया। थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद आपको इसी प्रोफेसर की मेल आ जाएगी कि आप या तो इंटरव्यू कंडक्ट मैं कर रहा हूँ इस डेट पे, या फिर आपने क्या करना है, एक लिंक भेज देगा कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अप्लाई करें, कोशिश करें कि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करें जिनमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ना हो, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जीरो हो। तो ये मेथड था, ये तो जस्ट मैंने केमिस्ट्री का बताया, आप इसी तरह फिजिकल साइंसेज में भी कर सकते हैं। आप जियो फिजिक्स में करना चाहते हैं, आपने देखना है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, आप देखिए ये वाला डिपार्टमेंट ये है जियो फिजिक्स, लेकिन डिपार्टमेंट आप केमिस्ट्री है। कोशिश करें जो फिजिक्स वाले हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करें, डिपार्टमेंट आप फिजिक्स में कोशिश करें कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपसे रिलेटेड होना चाहिए, उन प्रोजेक्ट में आप सुपरवाइजर को मेल करें। तो ये प्रोसेस है, आपने जैसे मैंने बताया जो भी रिलेटेड है आपके, मोर डिटेल पे जाके आपने क्लिक करना है, वहाँ जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है पुट करके आपने सबमिट कर देना। देन आप एक मेल रिसीव करेंगे, तो उसमें या तो लिंक दिया जाएगा या फाइंड अ PhD जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।